हाय गाइस, पिछले वाले व्लॉग में अपना प्यार देने के लिए आपका बहुत 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 थैंक यू। और अभी हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। जो टूर अपना चल रहा है फैमिली व्लॉग, वही व्लॉग है। और देखो, अब आगे हम शनि महाराज के मंदिर जा रहे हैं और वहाँ से कहीं और जाएंगे। तो इस वीडियो में आपको पूरा शनि महाराज का मंदिर दिखेगा, वहाँ पे कहाँ कहाँ आपको जाना है, किस तरीके से जाना है, भीड़ ज़्यादा हो तो कैसे जाना है, भीड़ कम हो तो कैसे जाना है, सब कुछ आपको डिटेल में इस वीडियो में दिख जाएगा। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो हम आशावरी माता से सीधे डायरेक्ट पहुँचे शनि महाराज के मंदिर में, और अभी हम मंदिर के बाहर है। पार्किंग में हमने हमारे टेम्पोज जो दो किराए से लिए थे अभी वो पार्क कर दिए हैं। और ये एक और ब्लॉगर है मेरे भैया, और अभी हम अंदर जाने वाले हैं। काफ़ी दूर पार्किंग की है, हर बार हम वहाँ पे क्लोज पार्क करते हैं, लेकिन अभी काफ़ी दूर पार्क की है। हर बार पर्सनल व्हीकल होता है ना, इसलिए। और पता है आपको यहाँ पे, मतलब जैसे आप गाड़ी लेके आओगे ऐसे बुलाएंगे, आ जाओ आ जाओ, ये इधर पार्क करो, इधर पार्क करो, इधर पार्क करो। तो पार्किंग की टेंशन मत लेना, इधर आओ तो कभी भी। सब दुबई के शेख बन लगे शनि महाराज के दर्शन के लिए। शनि महाराज, अरे वो शनि महाराज हबीबी हबीबी। पीछे भी जैसे ही आप मंदिर के पास में आते हो तो आपको ऐसे तेल की डब्बियाँ, सीसियाँ मिल जाती है जो आप मंदिर में चढ़ा सकते हो। और पता है क्या, आज शनिवार भी है। कुंभ राशि के लिए नीलम पत्थर और मीन राशि के लिए खूब सारे आपको तेल मिलने की दुकानें मिल जाएंगी। आज शनिवार है तो भीड़ भी काफ़ी सही है। अभी हम मंदिर में घुसे नहीं है, अभी मंदिर के बाहर ही हैं, मतलब जहाँ पे चप्पल वगैरह नहीं खुलते उधर ही हैं। और फिर भी देखो कितनी सारी भीड़ है। ओह माय गॉड, आज तो लाइन भी लग रही है लंबी सारी अंदर जाने के लिए। हमेशा ऐसा नहीं होता है, हमेशा डायरेक्ट हम अंदर जाते हैं, और आज देखो कितनी लंबी लाइन है। लाइन इधर से शुरू हो रही है, मैं आपको क्लियरली दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, ये लाइन जाते 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 ये अंदर तक। और चप्पल जूते का ढेर देख रहे हो, अभी हमारे घर वाले सोच रहे हैं जाएँ कि नहीं जाएँ, जाएँ कि नहीं जाएँ। तो आप यहाँ से प्रसाद वगैरह ले सकते हो। प्रसाद की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ। तो मंदिर का है ना एक पीछे का रास्ता है जहाँ से हम मंदिर से बाहर निकलते हैं। तो अभी मेरे घर वाले हैं वो थोड़ा एक्स्ट्रा ऐसे सोच के और अंदर गए हैं कि शायद पीछे के रास्ते से हम अंदर चले जाएं मंदिर में, कितनी लंबी लाइन में नहीं रुक सकते ना, इसलिए। तो अभी देखते हैं उनको वापस बाहर भेजते हैं या फिर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं उनके मिशन के अंदर। तो जा रहा है पीछे के रास्ते से, तो फ्रंट से जाएगा एक घंटे में, वो सब लाइन में लगे हो तो किधर से जाएगी, घर वाले चले वो लोग ना यहाँ से बाहर आएंगे। तो फाइनली ये लोगों ने डिसाइड किया है कि उधर से क्या है, उधर से अगर आप एंट्री लेते हो तो आप तेल चढ़ा सकते हो भगवान के, और अगर इधर से आप जाओगे तो सिर्फ आपको दर्शन होंगे। तो जो तेल चढ़ाएगा वो लाइन में जाएगा, और जो इधर से जाएगा उसको सिर्फ दर्शन होंगे। तो वो लोग गए, जिनको दर्शन करना था वो गए, और जिनको तेल चढ़ाना था वो लाइन में लग गए। यहाँ पे ना दो बड़े बड़े कुंड हैं, मतलब तेल के। यहाँ पे लोग अपने पुराने सामान वगैरह जैसे पिन, हेयर पिन, क्लिप्स वगैरह कुछ भी छोड़ के जाते हैं, चप्पल भी यहाँ छोड़ के जाते हैं मंदिर के बाहर। और ये पूरा तेल से भरा रहता है, बहुत बड़ा है, मैं आपको दिखाती हूँ कितना। ये इतना बड़ा है, और ये ऐसे दो कुंड यहाँ पे बने हुए हैं।
ये मंदिर के बारे में, कुंड के बारे में, लंबाई चौड़ाई दी हुई है यहाँ पे। ये हमारा सेकंड वाला कुंड, इसमें से आपको थोड़ा बहुत क्लियरली दिख जाएगा कि अंदर कितना क्या है, कितना नहीं है, ऑयल वगैरह। दोनों कुंड इक्वली बराबर के हैं एकदम। और वैसे भी आज सैटरडे है तो काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। और ये सेकंड कुंड के बारे में लिखा हुआ है, कितना गहरा, कितना चौड़ा, कितना लंबा, एवरीथिंग। ओह सरप्राइज, पिछली बार सेकंड ही थे, आज तीसरा कुंड भी है। और ये न्यू बना लग रहा है क्योंकि इसके सब कुछ न्यू है ना। और यहाँ पे ज़्यादा क्लिप वगैरह भी नहीं है तो आई थिंक ये न्यू है, क्योंकि वो दो में इतनी जगह नहीं रहती होगी। लेकिन इसमें ना बहुत ध्यान से देखोगे तो अंदर दिखाई देगा, ऐसे कुछ मतलब अंदर दिखाई नहीं देता क्लियरली। फिर जब आप तीसरे कुंड को भी आराम से विजिट कर लेते हो तो उसके बाद में आपको यहाँ पे शॉप्स वगैरह दिख जाती है खिलौने की और ऐसे ही छोटे मोटे सामान की। पता है जहाँ पे भी ऐसे धार्मिक स्थल होते हैं वहाँ पे लगभग सेम ही चीज़ें मिलती है जितनी भी हो। और महंगाई वाह 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 बहुत महंगी, तो लगभग सारी सेम चीज़ें हैं। कुछ एक दो चीज़ें हैं जो आपको न्यू दिख जाएगी, बाकी लगभग मतलब सारी सेम ही होती है चीज़ें। खिलौने सब कुछ। ये जो दुकानें मैंने आपको दिखाई ये मंदिर के अंदर है, और बाकी दुकानें जो मंदिर के बाहर हैं। अभी हम मंदिर के अंदर हैं, मंदिर के अंदर टोटल तीन कुंड है। प्रसाद वगैरह का मैंने आपको बता दिया, सैटरडे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और दर्शन हमने कर लिए हैं, जिनको तेल चढ़ाना है वो मेन रास्ते से गए हैं, और जिनको तेल नहीं चढ़ाना है ओनली सिर्फ दर्शन के लिए हैं वो पीछे वाले रास्ते से गए हैं। उधर भी थोड़ी बहुत दुकानें हैं, दो चार, मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि सामान तो लेना नहीं है और लगभग सेम ही सामान मिलता है तो देखना कुछ है नहीं। और थोड़ा बहुत हम बाहर विजिट कर लेंगे चलो। और ये यहाँ पे कल्प वृक्ष है, ये नर कल्प वृक्ष है, और ये नारी कल्प वृक्ष है। काफ़ी गर्मी का मौसम था और क्यों ना शिकंजी पी ली जाए सोडे वाली, तो यहाँ पे शिकंजी बन रही है मस्त एकदम। सब वेट कर रहे हैं ऐसे धूप में बैठ के, चेहरे तो देखो कैसे हो गए हमारे सबके। हम सब वेट कर रहे कि बस कब शिकंजी आ जाए। हमने पी ली थी, ये कुछ लोग बाकी रह गए थे उन्होंने पी, तो ऐसे सब ऐसे बोल रहे थे देखते हैं कौन कितनी गिराता है नीचे, कौन कितनी गिराता है। तो देखो अभी सब पी रहे हैं मस्त मज़े में, मतलब इतना सुकून दे रही थी ना ये पीने के बाद में, मस्त मज़ा आ गया था बस सही बोलूँ तो। शिकंजी वगैरह पीने के बाद में हम तुरंत वहाँ से ऑटो में बैठ के निकल लिए, और यहाँ से हम जाएंगे श्री सांवलिया सेठ के। और टेम्पो में हम बड़े मज़े करते हुए जा रहे थे, एकदम ओपन ऐसे लग रहा था हाँ गर्म हीटर मुंह पे किसी ने मार दिया हो। तो रास्ता भी बड़ा एंजॉय किया हमने। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ओके तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखोगे कि 1 लाख से ऊपर की ये एक
मूर्ति मूर्ति नहीं बोल सकते, फ्रेम में पूरा पेक है। ये क्यों है 1 लाख की, उसका रीज़न भी आपको अगले वीडियो में पता चलेगा। और ये बहुत ही सुंदर दिख रही थी। और ये भी कि क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों ने शर्मा जी के रेस्टोरेंट की इतनी ज़्यादा बुरी वाली तारीफ। तो रहिए मेरे साथ कंटिन्यू नेक्स्ट व्लॉग में भी, इंजॉय करिएगा खूब जैसे हमने इंजॉय किया हमारे साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कंटिन्यू रहिए।